खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और सच्ची किसी ने कहा है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, आज बात कर लेते हैं उस बेटे की, जिस बेटे के माँ बाप ने काफ़ी दुख सहे हैं। मजदूरी कर उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया और आज उन्होंने JKS एग्ज़ाम क्वालिफाई कर अपने इलाके का नहीं बल्कि पूरे बनी इलाके का नाम रोशन किया। तो ही इस रिपोर्ट से पहले हमने ये भी आपको दिखाया कि जब बनी अब्देर ने उनके माता पिता से बात की तो किस तरह से वो खुश नज़र आ रहे थे और घर में मिठाइयाँ भी बांटी जा रही थी। तो विशाल ने भी बेबाकी के साथ अपनी बात भी रखी, वो भी हमने आप तक पहुँचाई। और मेरे साथ इस समय एक्सक्लूसिव उनकी माता बात करने के लिए जुड़ी हैं। आइए बात कर लेते हैं कि आज परिवार किस तरह से खुश नजर आ रहा है। मतलब डोगरी गल करें, हिंदी? हाँ, हिंदी। कितना परिवार आज खुश है? थोड़े बेटे ने JKS एग्जाम जरा है क्वालिफाई किया, बड़ा ज्यादा खुश है। हाँ, ये अपनी खुशी दस ही नहीं सकते, उतने खुश है। हाँ, ज्यादा खुश है। आगे और के खुशी होनी। गरीब थे, दिहाड़ीदार आदमी थे, छह बच्चे थे, उन्हें पढ़ाते लिखाते, दिहाड़ी करते करते, फिर आगे मजदूरी करके छह बच्चे पढ़ाया लिखाया, अगे तक पहुंचाया, ते फिर घर का काम करना। उन्हें बाहर प्रदेश बिच कट्टी रखी सारी उम्र। हाँ, पता लग गया परिवार वाले के सारे बेटे ने एग्जाम जरा क्वालिफाई किया, पास हो गया। ऐसे की मेहनत लगी थी, ऐसी सारी रात नहीं सोते, 11 बजे तक बैठे, फिर ऐसी सही है। उत्थों बाद फिर 12 बजे का टाइम होया, 12:30 तक उन्हें फिर फोन किया, सुनाई गल, फिर बेटे ने सुनाया खुद, ते फिर खुशी हुई। उत्थों अगे और के खुशी होनी थी, बड़ी खुशी हुई। राती सुते भी नहीं, पूरी रात जागते रहे, एक दूजे कने गल करते रहे, बस जागत कुड़ियां फोन फान करते रहे अबू पिछे, ते खुशी तो फिर असें भी बड़ी मेहनत की, अगे बच्चे भी की, उत्थों अगे और किन्नी खुशी होनी, उन्नी खुशी तक पहुंचाए ना, सारा रोशन किया। परिवार की पूरी सपोर्ट ही, माता पिता की? हाँ, साड़ी पूरी सपोर्ट थी। जितना भी खर्चा लगता, मैं उसी इतने तक भी बोलिया है, मैं अपने जेडे जेवरात है ना, उन्हें की भी दे के मैं सब कुछ करा सकती तेरा। हाँ, जितने तक तू करने चाहता, जितनी साड़ी को आता है वो कर दिया सी, उसकी ऐसी पीछे नहीं थे। जी बारी उन्होंने एग्जाम जेडे क्वालिफाई किया है, तो कितना मायूसी लगी जिसे पहली बारी वो? बुरी लगी उसी, पहले बिच रहे था उतनी नहीं लगी, मैं दुए बिच कढ़ना है थोड़ा आगे टपना, फिर जिस मौके दुए बिच रहे था उसी ज्यादा बुरी लगी। फिर असी घर थे, वो उत्थे ड्यूटी उपर थे, फिर वो फोन भी नहीं साड़ा चुकना, ते फिर असी इतवा चली गए, बर्फ पोए कर दी थी, बस पकड़ी ते राती के असे उत्थे पुजे, शामी वेले 5-6 बजे पुजी गए होने के किन्ने, असे उत्थे पुजे ते फिर असे गल बात की, वो बड़ा दुखी हा, फिर गल बात की, बच्चा नहीं अगे जेडे पढ़ते हो रेंदे पे, तू टपना है अगे, कोशिश रखी दी है टपना है, ते फिर हिम्मत नहीं हारी। हाँ, हिम्मत नहीं हारी उन्नी, फिर उन्हें आख्या कोई गल नहीं, थोड़ी सपोर्ट होनी चाहिए, ते मैं मेरी कोशिश फुल है, फिर बस अगे करता रहा, अपनी तैयारियां करता रहा, कन्ने ड्यूटी बेचारा करता रहा, नाइट भी करनी होनी, डे भी करनी, कन्ने पढ़ना भी, कन्ने फिर उदा अगे इंटरव्यू देना, फिरना, फिर अपना पता नहीं के होंगे वह करता रहा, तो फिर हूं खुशी। कि बच्चे थे थोड़े? छे। बेटी किन्नी? चार। बेटे दो? दो। हैदराबाद मजदूरी करने जाते हैं, तो कितना मुश्किल होता है परिवार की चलाना, क्योंकि बच्चे भी हैं, उनके एजुकेशन भी है, कितना मुश्किल? बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो टाइम दसना हो तो उसी मैं दस ही नहीं सकती, उतना मुश्किल था, के दसना कितना को मुश्किल था। वो कि ये पता था साड़े सुनने च आज भी आया कि पता रही लग गया कि आज भी उनके पिता जड़े हैं वो दिल्ली हैदराबाद है ना, हाले भी पल्लेदारी करे करते हैं ना।
हले भी वो मजदूरी उपर गए की पैसे भेज दे थे। अच्छा। जेडे मिलते थे उदे पूरे नहीं होंगे थे, फिर भी उत्थे कमाए के भरा भी भेजता था, प्यो भी सब भेजते थे। हाँ जिसी जिसी कुड़ियां कड़ियां सारे लगे ऐसी गल नहीं, पर आस्ता भला मां प्यो थे आस्ता देने थी उदी सपोर्ट। आज उन्दे पिता ही पता लग गया कि बड़े खुश है ना। अच्छा। हाँ बड़े खुश है ना, उन्हें तो वो जी राती गल की उत्थों उन्हें कि मौका नहीं मिले हम तक गल करने। बहुत बहुत शुक्रिया सारे बात करना जी। और ये विशाल की माता हमारे साथ जो है बातचीत के लिए एक्सक्लूसिव जो थी वो जुड़ चुकी थी, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि काफ़ी बेहद खुशी जो है आज परिवार के अंदर है। इन्होंने कहा कि मजदूरी करके हमने बच्चों को पढ़ाया, हालांकि इन्होंने कहा कि चार बेटियां हैं और दो बेटे हैं, ऐसे में परिवार चलाना बेहद मुश्किल था। और विशाल ने जिस तरह से आज एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर माता पिता का नाम रोशन किया है, जिसके चलते आज परिवार बेहद खुश नजर आ रहा है। तो वहीं बनी के लिए भी आज एक गौरव का दिन है, प्राउड का दिन है, और क्यों ना हो, क्योंकि बनी के एक बेटे ने विशाल कुमार ने JKS एग्जाम क्वालिफाई कर अपना नाम तो रोशन किया ही, अपने माता पिता का नाम रोशन तो किया ही, बल्कि इलाके के साथ साथ पूरे बनी का नाम भी रोशन किया। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी। क्या आपको पता है आपकी बनी में आपकी गाड़ी की बेहतर माइलेज, बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर स्पीड, बेहतर पावर के लिए खुल चुका है HP का नया पेट्रोल पंप जय चंडी माँ पेट्रोल पंप। बनी के सारथली में यह नया पेट्रोल पंप, वह भी एक अच्छे माइलेज पावर फ्यूल के साथ। तो फिर जब आप सोच रहे हैं अपनी गाड़ी में माइलेज वाला ऑयल डलवाना, तो जय चंडी माँ पेट्रोल पंप है ना। हमारा पता है बनी बसोली रोड नियर पावर हाउस सरथली।